हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन के नेक्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको 106 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन दिए थे जिसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा। देखिए 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x मल्टीप्लाई साइन 8x इनटू dx। सबसे पहले देखिए दो फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के, मल्टीप्लाई में है, हम इनको चेंज कर लेते हैं। कैसे? जो बिगर एंगल है साइन 8x वो पहले लिख लेते हैं और इंटू में साइन 4x जो छोटा एंगल है वो बाद में लिख लेते हैं, राइट। अब हमने जो फॉर्मूला लगाना है यहां पर, पहले की तरह जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे उनमें बिल्कुल से पहला स्टेप जो होता है हमारा वो क्या था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है हमने जब भी दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीप्लाई में होते हैं इंटीग्रेशन में, तो यही स्टेप लगाया जाता है। देखिए 1/2 बाहर लिख दिया, 2 से डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये बनेगा 2 साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx। ये आ गया हमारे पास फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, फिर से लिख देता हूँ। 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों एंगल्स को माइनस करना है, फिर माइनस साइन और कॉस ए प्लस बी। ठीक है, हमने ये जो बड़ा एंगल पहले लिखा था और छोटा बाद में इसलिए लिखा था ताकि जब कॉस ए माइनस बी करें तो नेगेटिव साइन ना आए, उसका यही बेनिफिट था। देखिए ये 1/2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, ये एंगल ए है हमारा, ये एंगल बी है, यहाँ ए लिख सकते हो यहाँ बी, तो 8 - 4x माइनस करना दोनों को, 8x - 4x माइनस कॉस, अब ए प्लस बी लिखना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे एंगल्स को, यानी 8x + 4x, राइट, और इंटू में dx। तो हमारे पास जो फंक्शन कन्वर्ट हो गया वो बन गया है कॉस 8 - 4 - 4x माइनस कॉस 8 + 4 - 12x, ये बन गया है। ठीक है, इन दोनों को हम कर देंगे अब इंटीग्रेट। हमारे पास फंक्शन आ गया 1/2 cos 4x माइनस कॉस 12x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेशन के लिए कॉस x का फॉर्मूला लगेगा। देखिए कॉस x का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 1/2 तो बाहर ही रहने वाला है, कॉस 4x का इंटीग्रेशन होगा साइन 4x एंगल सेम और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस कॉस 12x का साइन 12x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, यानी 12x का डेरिवेटिव 12 और साथ में प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/8 साइन 4x माइनस 1/24, ये 2 और 12 मल्टीप्लाई जाएंगे, 1/24 बन जाएगा साइन 12x प्लस सी। ये 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, 8th क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x डिवाइड बाय 1 + cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए हम सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर, एक हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, 1 - cos 2a और 1 + cos 2a का। 1 - cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल्स टू 2 sin² a, यानी जो ये एंगल 2a है ये इधर आके एंगल हाफ हो जाता है, a बन जाता है। सिमिलरली 1 + cos 2a जो है वो होता है 2 cos² a, यानी इस फॉर्मूले में जो एंगल है हमारे पास कॉस का वो इधर आके हाफ हो जाता है। तो यही फॉर्मूला अगर मैं यहां पर कॉस एक्स है जैसे, तो एक्स के लिए अगर अप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2 माइनस वाला साइन है तो 2 लगेगा, 2 sin²। अब जो एंगल एक्स है इसका मुझे हाफ करना है, जैसे यहां 2a था तो 2a का हाफ a होता है, तो x का हाफ x/2 बन जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 + cos x है तो ये 2 cos² बनेगा और जो ये एंगल x है इसका हाफ हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 2 x/2 इंटू dx। इसका क्या बेनिफिट हुआ, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और साइन अपॉन कॉस आपको पता है टेंजेंट होता है, तो ये बन गया 10 square, एंगल सेम है क्योंकि दोनों का, तो 10 square x/2 इंटू dx। आप चाहें तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि जो टेंजेंट a होता है वो साइन a डिवाइड बाय कॉस a होता है। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है टेन स्क्वेयर थीटा की, हम वो आइडेंटिटी लिख देते हैं यहां पर कि जो 10 square a है प्लस 1
इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर होता है, और ये वन अगर हम उधर भेज दें तो टेन स्केयर ए की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्केयर ए माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हमने क्लास टेंथ में पढ़ा हुआ है, ये हम यहां पर यूज करेंगे टेन स्क्वायर में। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्केयर की जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर, और एंगल ए हमारा ये है एक्स अपॉन टू, एंगल सेम रहेगा माइनस वन और बाहर इंटू में dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है वो सीकेंट स्क्वायर का होता है। और वो क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर a का इंटू dx का, वो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लगाए सीकेंट स्क्वायर a इंटू dx जो है हमारे पास वो क्या होता है टेंजेंट a प्लस c। तो यहां पर मैं x लिख लेता हूं अगर सीकेंट स्क्वायर x, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx जो है वो टेन एक्स प्लस c बन जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन मेरे पास जो एंगल है x बाय टू है, तो ये बन जाएगा टेन एक्स बाय टू, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, ये एंगल x बाय टू है, इसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना है। x बाय टू का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन अपॉन टू, माइनस वन का इंटीग्रेशन x और साथ में प्लस c। तो ये देखिए जो वन बाय टू लिखा था डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टू टेन एक्स बाय टू माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.3, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये फंक्शन गिवन है। देखिए न्यूमरेटर में है कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस एक्स। अगर हम डिनोमिनेटर में भी कोशिश करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स जैसे हमें दे रखा है, तो हम ये ऊपर न्यूमरेटर में कैसे बना सकते हैं? तो बहुत आसान है, आप लिख देंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर देंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा? देखिए ये कॉस एक्स था, इसमें हम एक प्लस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और माइनस भी कर देंगे माइनस 1, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 तक बन जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज है, इसको कोई चेंज नहीं करते, ठीक है, इंटू में डी एक्स। अब हमारे पास दो टर्म है, तो ये है 1 प्लस कॉस एक्स और एक ये है 1, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, दो फंक्शन बना लिए हमने इसके, एक बार तो इसके नीचे लिख दिया, बीच में माइनस साइन है एज इट इज, और 1 अपॉन, एक बार ये 1 प्लस कॉस एक्स इस 1 के नीचे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। इसका क्या एडवांटेज हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है ये कट गया, ठीक है, क्या बचेगा यहां से? यहां से बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसकी जगह हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था कि 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर a, ये होता ना। तो यहां 1 प्लस कॉस x अगर मैं लिख दूं तो 2a का जो एंगल है वो हाफ बन जाता है, a बन जाता है, तो x का जो एंगल बनेगा वो x बाय 2 बनेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 बनेगा। तो ये 1 प्लस कॉस x की जगह हम यहां डिनोमिनेटर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देते हैं इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए तो ये क्या बनेगा, इंटेग्रल 1 माइनस ये 1 बाय 2 एच डी रहने वाला है, जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास टेंथ में कि 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो सीकेंट एक्स के इक्वल होता है, तो ये कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, ब्रैकेट क्लोज और इंटू में डी एक्स। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन आसान हो गया, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में tan x बाय 2 और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2, तो डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 साथ में प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां फॉर्मूला लिख भी सकते हो आप कि जो सीकेंट स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस c, ठीक है। अब ये जो 1 बाय 2 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 1 बाय 2 और ये 1 बाय 2 ये कट गए आपस में, तो क्या बचेगा x माइनस tan x बाय 2 प्लस c। 10th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का, लिखा है इंटीग्रल साइन रेस टू पावर 4x dx, साइन रेस टू पावर 4x है, इस बार फंक्शन की पावर 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया हमने, पावर 4 बन गई,
यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से हमारा पर्पस है कि हमने जो फॉर्मूला है जो पढ़ा हुआ है 1 cos 2a का भी हमने आपको बताया था, दैट इज इक्वल्स टू 2 sin² a। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये 2 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 cos 2a / 2 जो है दैट इज इक्वल टू 2sin² a। तो ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, देखिए क्या बनेगा, जो 2sin² x है ये बनेगा 1 cos 2x, क्योंकि यहां पर एंगल a से 2a डबल हो जाता है, तो x से डबल हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 और सारे का होल स्क्वायर है तो सारे का होल स्क्वायर भी लगा देंगे इनटू dx। तो देखिए जो डिनोमिनेटर में 1/2 बचा हुआ ये, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, उसको बाहर रख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, अंदर बचेगा सिर्फ 1 cos 2x और इसका होल स्क्वायर इनटू dx। यहां पर अब आपने 1 cos 2x का जो होल स्क्वायर बच गया है इसके लिए आपने यहां पर ये a और ये b अगर मैं मान लूं तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, क्या होता है वो a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये 1/4 तो बाहर ही रहने वाला है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस b का स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर एंगल रिमेन सेम 2x माइनस 2ab यानी 2 × a × b 2 × 1 2 × cos 2x यानी 2 cos 2x आ जाएगा हमारे पास, इनटू में dx बिल्कुल सेम टू सेम रखना, कोई चेंज नहीं है। अब यहां फिर से आ गया, देखिए cos स्क्वायर 2x जब भी स्क्वायर टर्म आएगी तो फॉर्मूला हमने वही यूज करना है, इस बार फॉर्मूला यूज करेंगे 1 cos 2a का, क्योंकि 1 cos 2a जो होता है वो 2 cos² के इक्वल होता है और ये फिर से 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 cos 2a / 2 इज इक्वल टू cos² a। तो हम यहां यूज करेंगे cos² a की जगह 1/4 बाहर ही रहेगा, इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 प्लस ये हमने लिखना है 1 cos 2a, तो ये 2x है पहले से एंगल a, इसका डबल हो जाएगा, अब तो 2x का डबल क्या होता है 4x यानी 1 cos 4x और डिवाइड बाय 2 सेम रहने वाला है, दैट्स इट, इसको अलग ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस ये सारी चीज सेम बाकी 2 cos 2x, कोई चेंज नहीं आएगा राइट, और इनटू में यहां पर हम लिख लेंगे क्लोज ब्रैकेट लगा के dx, ठीक है। अब ये 1/2 है, इसके अपॉन में 2 है, तो क्या करेंगे हम सबके अपॉन में 2 लगा लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसके अपॉन में 1 लग गया, इसके अपॉन में 1 लग गया, 2 एलसीएम आ गई, क्या बचेगा 2 × 1 2 प्लस ये टर्म सेम रहेगी 1 cos 4x माइनस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 cos 2x और सारे के साथ इनटू में dx। अब ये 1/4 है बाहर और ये 2 आ गया एक और डिनोमिनेटर में, तो ये 2 भी इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आइए आप, ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 2 + 1 = 3, तो ये लिखा जाएगा 3 cos 4x - 4 cos 2x इंटू dx। इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, 3 कांस्टेंट है तो 3x हो जाएगा इंटीग्रेशन, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल कितना है 2x तो डिवाइड बाय 2 और साथ में प्लस c, तो आप चाहें तो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, तो ये आपके पास बच जाएगा 1/8 बाहर ब्रैकेट के 3x प्लस ये sin 4x / 4 माइनस 2 sin 2x ब्रैकेट क्लोज और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे तो यहां मेंशन भी कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा यूज किया इंटीग्रेशन का, cos x का, cos x का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया इज इक्वल्स टू sin x प्लस c। जो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है 10th क्वेश्चन की तरह, बस वहां पर sin की पावर 4 थी, यहां पर cos की पावर 4 है और एंगल इस बार पहले से डबल है यानी 2x है, तो आपने बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना है जो पिछले क्वेश्चन में फॉलो किए थे। सबसे पहले हम लिखेंगे cos स्क्वायर 2x को cos^4 को यानी cos स्क्वायर का स्क्वायर इनटू dx राइट। अब जो cos स्क्वायर है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1 cos 2a इज इक्वल टू 2 cos² a, ये हमें यूज करना है, cos स्क्वायर a है इधर लेके आएंगे 2 को इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा 1 cos 2a / 2 इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए से लेके चलेंगे तो एंगल यहां डबल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर हमने वही करना है, इंटीग्रेशन जो 2x है इसको डबल करके लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 2x का डबल क्या होगा, 2x का डबल होगा 4x और डिवाइड बाय 2 और सारे का होल स्क्वायर इनटू dx। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, जो स्क्वायर है ये 1 बाय 2 है, इसका स्क्वायर करना है तो 1 बाय 4 बनेगा, उसको बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर इनटू में dx। अब ये दो टर्म है, ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, और इसका हमें करना है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही ओपन करेंगे, देखिए क्या बनेगा 1 बाय 4 इंटीग्रेशन a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और एंगल रिमेन सेम 4x प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 इंटू कॉस 4x और बाहर ब्रैकेट के dx बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहां पर फिर से वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था, फिर से लिख देता हूं 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a और ये 2 अपॉन में लेके आना है हमने इसके, तो क्या बनता है ये 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2 विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए सब बच्चों को कि एंगल a जो है वो इसका डबल हो जाता है 2a, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 प्लस यहां पर 1 प्लस कॉस 4x का डबल होगा, 4x का डबल क्या होगा 8x और डिवाइड बाय 2 प्लस बाकी की जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगे इंटू 2 कॉस 4x और इंटू में dx, ठीक है ब्रैकेट क्लोज हमने यहां लगाई क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर इसको क्लोज कर दिया इंटू में dx। अब देखिए इसके अपॉन में भी 1 लगा लेते हैं, इसके अपॉन में भी 1 लगा लेते हैं और 2 जो है वो LCM आ जाएगा, ये 2 जो है LCM आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस ये सेम रहेगा 1 प्लस कॉस 8x और प्लस ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा इंटू कॉस 4x और ब्रैकेट के बाहर dx, तो ये वाला 2 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बनेगा 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 3 इंटू 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x, राइट ये हमारे पास ट्रीटमेंट बन गया। अब इसमें कोई पावर नहीं है, हम चाहे तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं और वो लिख भी रहे हैं। देखिए cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले तो 1 बाई 8 बार लिखेंगे, 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंगल सेम रहने वाला है 3 प्लस साइन 8x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, 8x का डेरिवेटिव 8 प्लस 4 cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो 4x का डेरिवेटिव 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, तो ये 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन 8 3x प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x और साथ में प्लस c। क्वेश्चन कर रहे हैं, दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, हमारे पास न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, हमें थोड़ा सोचना है कि साइन स्क्वायर एक्स में हम ये फॉर्मूला आइडेंटिटी जो 10th क्लास में हमने पढ़ी हुई है ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो होता है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हिंट मिल गया कि सारे दोनों हमने डिनोमिनेटर भी कॉस में था, न्यूमिनेटर को भी कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ। एक्चुअली हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। देखिए न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन जो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा था उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, इसको सेम टू सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना इसके अंदर, 1 प्लस कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स ही रहेगा। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स कट गए, क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब क्वेश्चन हमारे पास सिंपल बन गया है, 1 माइनस कॉस एक्स का हमने इंटीग्रेशन लिख देना है, बहुत आसान है, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x माइनस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन
साइन एक्स और साथ में प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत जरूरी होता है लगाना, इसको भूलना नहीं है। तो देखो बच्चों, आपने ये थे क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक की सेवंथ चैप्टर इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3, जिसके हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 12 तक सॉल्व करके दिखाए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वेदी गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए वीडियोज आपको जब आने वाले हैं वो तभी मिलेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, क्लास ट्वेल्थ के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। वेदी गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वेदी गुरुज के साथ, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।